सिलेंडर गिर गया, भरा हुआ सिलेंडर, तो बहुत मुश्किल हो रहा उनको, और पेन भी उतना ही है, तो पता नहीं ऐसा कैसे हो गया अचानक से। और अच्छा नहीं लगता ना, घर में किसी को भी चोट लग जाए, कुछ भी हो जाए, तो चैनल सिंपली रियल ब्लॉग। और कैसे हैं आप सब लोग? होप सब लोग अच्छे होंगे। सो यहाँ पे आफ्टरनून का ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। तो अभी मैं नहा वहा के शावर लेके रेडी शेडी होके थोड़ा सा बाल और बना के आ गई हूँ। यहाँ पे जो है फ्रूट्स केला मांग रहा था, तो यहाँ देखिए हेलो भी कर रहा है, चक्कर पकड़ करता रहता है। तो बस मेरे हस्बैंड वही दे रहे थे, वो कहीं जा रहे थे, बट वो उन्हीं से मांग रहा था, मुझसे नहीं चाहिए था, उसको उसी से चाहिए था। तो फिर वही है, उसको खिला उला के जाएंगे। और यहाँ पर दूध वाले दूध लेके आ गए थे, यहाँ पर मैं रख दी हूँ दूध गर्म होने के लिए। और यहाँ पर मैं कुछ खा रही हूँ, तो मैं क्या खा रही थी, हाँ मैं पिस्ता खा रही थी, जो रोस्टेड पिस्ता मैंने पिछले ब्लॉग में दिखाया था ना, वही बचा हुआ था, तो वही दो चार लेके खा रही थी। और यहाँ पे फ्रूट्स लाए हुए थे मेरे हस्बैंड, तो वो उसी को मैं रख रही हूँ अच्छे से, प्लास्टिक में पड़े हुए थे सुबह से ही, तो मैं कहीं रख दूँ, और अभी मुझे टाइम मिला इन्हें रखने का। तो बस बनाना है, एप्पल है, और कितने प्यारे लग रहे थे ना, अनार कलर में बहुत सुंदर लग रहे थे, और अंदर से भी अच्छे थे, हमने खाया भी। तो यहाँ पे लंच में मैं बनाई हूँ दाल चावल, नहीं सर अभी दाल ही बनाई हूँ, हाँ चावल अभी बनाना है। तो यहाँ पे दाल बना ली हूँ मैं, सिंपल सादा दाल, इसमें तड़का लगाऊंगी जीरे हींग और हरी मिर्च और लहसुन का, तो अभी तड़का लगा लूँगी मैं थोड़ी देर में। पहले मैं चावल सोच रही थी रख दूँ फटाफट, ये भी बन जाए, क्योंकि बज रहे थे एक, तो सबको लग रही थी थोड़ी थोड़ी भूख, तो हमने कहा चलो आधे घंटे में हो जाएगा, तो 1:30-2 बजे तक लंच भी हो जाएगा हमारा फाइनल। तो नहाने के बाद ना मैं नहा ली थी, मुझे भी भूख लग रही थी, तो मैंने कही पहले चावल रख देती हूँ फिर दाल में तड़का लगाऊंगी। तो यहाँ हस्बैंड के देख रहे हैं पैर से ना चला भी नहीं जा रहा है, थोड़ा सा उनके पैर में बहुत चोट लग गया है, तो यहाँ आपको दिखा भी रही हूँ मैं, देखिए कितनी स्वेलिंग है और बहुत ज़्यादा चोट आ गई है उनके अंगूठे में। और मैंने रात में हल्दी और तेल गर्म करके रख दिया था, कच्चा हल्दी पीस के, तो थोड़ा बहुत वो कालापन है भी अभी, लेकिन उतना आराम नहीं है, बाल आगे से देखिए बाहर जाने की जिद कर रहा है। दे दो अनवी, दे दो पैर, चप्पल सीधा करो, ऐ चप्पल सीधा करो, जो है दिखाओ तो छाता में, दिखाओ तो इधर आओ, तो इधर आओ तो देखो कैसे लग रहे हो, आओ तो, अब बारिश तो आ नहीं रही है, छाता आँख में लग सकता है। तो गाइस चावल रख दिया बनने को, चावल हो जाएगा थोड़ी देर में, और दाल बन चुकी है, दूध भी गर्म हो चुका, और अभी कोई काम नहीं, मौसम ठंडा है, बहुत अच्छी धूप निकली थी, तो मैं फटाफट सोच रही थी नहा वहा के और लंच करके धूप में बैठूंगी, लेकिन जैसे ही मेरा काम खत्म होने वाला है धूप बिल्कुल गायब। आपको दिखाया अभी मैंने बाहर जो है छाता लेके गया है, उसको शौक लग रहा था मुझे छाता, क्योंकि 2 दिन से बारिश हुई ना, तो छाता हम लोगों ने निकाले थे, तो देखिए सीटी दे रहा कुकर, अब चावल बन जाएगा, तो इस वजह से। और हस्बैंड के पैर में बहुत बुरी तरह से चोट लग गई है, और बहुत स्वेलिंग भी है, काला पड़ गया है। रात में मैंने हल्दी और तेल गरम करके मिक्स करके लगाया था, पट्टी लग बांधी थी, और वो मेडिसिन भी ले रहा है, बट पेन अभी भी है, चला नहीं जा रहा, थोड़ा सा चलने में दिक्कत कर रहा है, जूता वगैरह पहनने में दिक्कत कर रहा है। और पैर पर सिलेंडर गिर गया, भरा हुआ सिलेंडर, तो बहुत मुश्किल हो रहा उनको, और पेन भी उतना ही है, तो पता नहीं ऐसा कैसे हो गया अचानक से, और अच्छा नहीं लगता ना, घर में किसी को भी चोट लग जाए, कुछ भी हो जाए, तो मतलब मन अच्छा नहीं लगता पूरे दिन, मतलब आज कुछ भी नहीं किया, बस नहाए धोए हैं और चावल दाल बना रही थी सिंपली, और कुछ भी नहीं, सैटरडे है, तो बस यही है, अच्छा नहीं लग रहा है उनको, बहुत दर्द है। और सिलेंडर इस कैसे गिरा कि एक दूसरे बच्चे पापा के साथ खेल रहे थे, तो मजाक मजाक में ना मारा का हाथ पकड़ के बाहर कह रहे थे चलो तुम बाहर वहां खड़ी रहो, तो वो जा नहीं रही थी, मतलब बाहर कर रहे थे मजाक मजाक में, तो उसने क्या किया, गेट के पास मेरे वॉशिंग मशीन के पास सिलेंडर रखा है, मैं दिखाती, वहां सिलेंडर रखा है ना गेट के पास, देखिए
वहाँ रखा है, तो वही बाहर निकालने के चक्कर में और वो सिलेंडर पकड़ी थी, सिलेंडर खिंचाव की वजह से सिलेंडर थोड़ा सा टर्न हुआ और पैर उनका आगे ही आ गया और उस पर गिर गया। तो वही होता है, मजाक मजाक में कुछ भी हो जाता है, बच्चे मानते नहीं, इतना परेशान करते हैं। अभी भी आप देखे होंगे पैर से चला नहीं जाए, लेकिन पापा चलो खेलो, लेकिन किसी तरह उसको कैप पहना के बाहर हमने भेजा है, थोड़ी देर खेल के आ जाओ। तो बस गाइज यही है न्यू ईयर, तो अभी एक हफ्ता ही हो रहा है, अभी आज है 7 जनवरी और चोट लग गई मेरे हस्बैंड को, तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा बिल्कुल भी। और अभी हमारा न्यू ईयर अच्छे से सेलिब्रेट भी नहीं, कहीं घूमने ही नहीं गए, उधर बच्चों की तबीयत खराब चल रही थी तो हम कहीं नहीं जा पाए, और फिर इधर 2-3 दिन से मौसम खराब है, बारिश बारिश हो रही है, तो कहीं नहीं गए। और हमने सोचा चलो अच्छी सी धूप निकलेगी, कहीं घूम के आएंगे, थोड़ा न्यू ईयर की एक मेमोरी कलेक्ट करेंगे, तो अभी चोट लग गई, तो पता नहीं क्यों ऐसा हो रहा है, अच्छा ही नहीं जा रहा, तो बहुत अच्छा नहीं लग रहा अंदर से सच में। और बस अभी कुछ भी काम नहीं है, दाल चावल बन गया, लंच करेंगे और फिर थोड़ा देर आराम करूंगी, जॉय को नैप अप दिलाऊंगी, उसको सोने की आदत है, तो बस यही है। अब चलिए मिलते हैं आपको लंच वंच करने के बाद, दाल चावल और मैंने चटनी बनानी है, चटनी बनाऊंगी, थोड़ी सी आलू गोभी की सब्जी मैंने ब्रेकफास्ट में बनाई थी, भुजिया सूखी सब्जी वो रखी है, वही दाल चावल से हम लोग खा लेंगे, और बस अच्छा भी नहीं लग रहा है, और क्या मैं बनाऊँ, तो शाम को देखते हैं थोड़ा सा कैसा होता है क्या होता है, तो आपसे शेयर करूंगी, ठीक है। तो चलिए बातें जाते नहीं, सो गाइस आई हूँ बाहर, लंच वगैरह हो चुका है और मैं कपड़े उठाने, क्योंकि बारिश बारिश लग रहा आ ना जाए, और मौसम बहुत ठंडा ठंडा हो रहा है, बादल लगे हुए हैं, और देखिए आप तो इधर मैं कपड़े डालती हूँ, आपको दिखाया मैंने पहले भी व्लॉग में, इधर एरिया है, वेजिटेबल्स वगैरह लगे हैं, टमाटो सरसों क्या है, और अर्गनी हमने बांधे हैं, कपड़े डालते हैं डेली वॉश अगर होता है तो, और ये काफ़ी सारी वेजिटेबल्स लगे हैं, धनिया वगैरह सब कुछ हम लोग इजीली ले लेते हैं, और उधर पालक वगैरह उधर जाके लगी है, नींबू का है पेड़, और उधर पालक वगैरह मेथी वगैरह सब कुछ लगा है, तो मैं आपको किसी और ब्लॉग में अच्छे से इसका ब्लॉग बना के दिखाऊंगी। तभी आई हूँ कपड़े उठाने, देखिए कपड़े पड़े हैं और बादल लगे हुए हैं, बाय गॉड, और ठंड बहुत लग रही है, मैं जा रही हूँ। तो गाइज मैं कपड़े लाके अंदर रख दी थी, उसके बाद लंच के जो बर्तन पड़े थे ना, हमने लंच दाल चावल जो बनाया था वो खा लिया, और चटनी भी बना ली थी मैंने, तो खाने के बाद जो बर्तन पड़े थे मैंने कहा साथ ही साथ धो लूँ, नहीं तो थोड़ा सा ना रेस्ट करने चले जाओ तो फिर आलस आता है ठंड में मुझे, तो मैं फटाफट वैसे हाथ ही हाथ धो लेती हूँ, फिर उसके बाद बिस्तर में बैठूँगी, कुछ मोबाइल पर काम करूँगी, वीडियो एडिट वगैरह करूँगी। तो यही था छोटा सा व्लॉग मेरा, होप आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट करके बताइएगा, एंड लाइक भी कर दीजिएगा, एंड बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि नेक्स्ट व्लॉग की नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, होप आपको अच्छा लगा हो मेरे व्लॉग, थैंक यू।